हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआईएसएफ टेस्टमैन, इसमें टेस्ट में क्या हुआ, कैसा हुआ। भाई सिवा हमसे जुड़ चुके हैं जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं भाई शिवा से बात। हाँ शिवा भाई, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए दोस्तों के लिए। हाँ सर, जय हिंद सर। मेरा नाम शिवा जायसवाल है और मैं गोरखपुर का हूँ। हाँ मेरा 13 तारीख को फिजिकल था। अच्छा, 13 को था, 13 जनवरी को ना? हाँ जी सर जी। तो 13 तारीख को फिजिकल था। सबसे पहले सर सुबह 6:30 बजे रिपोर्टिंग था, तो 5:30 बजे ही वो लोग एंट्री कर लिए, तो हम लोग 5:30 बजे एंटर कर लिए अंदर। अच्छा सेवा जी, बताइए आप कहाँ से हैं और कहाँ पे था आपका, जी भी बताइए। हाँ मेरा रायबरेली में था, रायबरेली 49। अच्छा रायबरेली में है ना? हाँ हाँ, तो आप वहाँ पे गए। हाँ तो सुबह सुबह 5:30 बजे एंट्री कर ली हम लोग। हाँ उसके बाद हम लोग को अंदर ले जाया गया। अच्छा अंदर ले गए। अंदर ले जाने के बाद वहाँ पर लाइन से सबको लाइन वाइज अंदर सबको एक ऑफिस टाइप का था, ग्राउंड टाइप का, उसमें ले जाया गया हम लोग को। अच्छा हाँ हाँ, तो वहाँ पर टेबल 4 टेबल लगे हुए थे सर। 4 टेबल थे। हाँ तो उस टेबल में सबके रोल नंबर वाइज, जैसे किस टेबल में कौन सा स्टूडेंट है उसको देखना था कि हम किस टेबल में, अपने अपने रोल नंबर के अनुसार देखना था। अच्छा हाँ, तो जिस टेबल में है उस हिसाब से उसमें बताते थे लोग और उस हिसाब से उसमें साइन किया जाता था। अच्छा हाँ, पेपर साइन करवाए सबसे। हाँ अटेंडेंस 2 साइन किया गया हम लोग को। हाँ हाँ, तो उसके बाद अटेंडेंस साइन कराने के बाद उसके बाद अंदर गए हम लोग। हाँ उसके बाद ढेर सारा फॉर्म डलवाया भरवाया गया। अच्छा फॉर्म, दो फॉर्म। हाँ फॉर्म भरवाया गया। अच्छा कैसा, क्या भरवाया था उसमें? उसमें भरवाया गया था नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कोई केस वगैरह है कि नहीं पता नहीं, सब ये सब लगभग 25 कॉलम भरवाया गया। अच्छा 25 कॉलम में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एक प्रकार से है ना? हाँ सारी इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह जो भी होती है सब भरवाए गए। अच्छा शिवा जी, और बताइए आपकी एंट्री, जैसे कोई लेट हो रहा है तो उसको एंटर करते हैं कि नहीं, कितने टाइम तक होती है? अरे लगभग हम देखे कि 7 बजे तक स्टूडेंट आते रहे। और अंदर कर लिया था? हाँ अंदर कर लिया था, रिक्वेस्ट किए तो लग रहा है, 2-4 स्टूडेंट को देखे थे हम लोग को, वो जल्दी जल्दी आए और हड़बड़ी उन लोग को फॉर्म नहीं भरवाया गया, उन लोग को बस एंट्री कर लिया गया और दौड़ाते वक्त ही आए थे उन लोग का एंट्री, उनको दौड़ा दिया, उनको साथ में ही दौड़ा देगा, बाद में उनको फॉर्म भरवाया गया। अच्छा, और जो एंट्री करते हैं वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं आपके? एंट्री करते वक्त वही जो फोटो होना चाहिए, आईडी को होना चाहिए, उस पर आपका फोटो होना चाहिए उस आईडी पर। अच्छा आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी? हाँ। फिर इसके बाद क्या हुआ? क्या सर? फिर इसके बाद क्या हुआ, आपने फॉर्म फिल अप कर दिया देन इसके बाद? हाँ तो उसमें सर अंदर हम गए और उसके बाद टेबल के अनुसार सब कोई लाइन में, टेबल नंबर हम तो टेबल 4 में थे। हाँ और उसके बाद सब कोई अपना जूता सब कोई निकाला, सबको कहा गया कि अब भाई आप लोग अपना अपना स्विच निकाल लीजिए। हाँ हाँ, तो सब कोई शूज निकाल लिया अपना और टोपी वगैरह जितना सब कोई निकाल कर लाइन में लग गए। अच्छा। टेबल वाइज सब कोई अपना अपना लाइन। हाँ तो सबसे पहले टेबल 1 का हाइट नापा गया सबके, उसमें हाइट में भी बहुत सारे लड़के आउट हो रहे थे। अच्छा हाँ हाँ, तो हाइट में भी कुछ लड़के आउट हुए, कुछ नहीं लगभग 30% लड़के आउट हो गए। अच्छा हाइट का मेजरमेंट कैसे हो रहा है वहाँ पे, कुछ मशीन के द्वारा कि ऐसे ही टेप के द्वारा, कैसे क्या कर रहे हैं? हाइट नहीं, जो होता है ना सर आर्मी वगैरह में जैसे नापे जाते हैं, एक स्टैंड टाइप का लोहे का बना होता है। हाँ उसमें वो नाप के लगे रहते हैं। हाँ, शायद उसमें अगर सिर आपका नहीं अगर टकरा रहा है तो आप अंडर हाइट है, आपका हाइट नहीं है। अच्छा तो हाइट कितनी काउंट कर रहे हैं वहाँ पे, कितनी ले रहे हैं? सर 170 ले रहे थे, 170 सेंटीमीटर। सभी के लिए कॉमन है क्या, छूट भी है किसी को? ST वालों के लिए बस छूट है सर, उनको 165 ले रहे थे। अच्छा 165। हाँ और फिर इसके बाद जो आपका चेस्ट है उसका भी मेजरमेंट हुआ होगा क्या सर? छाती की नाप भी ली थी?
क्या आवाज नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं सर? मैंने कहा छाती की नाप भी ली थी आपकी। हाँ हाँ, तो मेरा उसी में, मैं तो डिस्क्वालीफाई हो गया उसी में, चेस्ट में। अच्छा, वो कितना मांगा था? हाँ सर, क्या सर? वो कितना मांगा था छाती की नाप? तो सर 80 सेंटीमीटर मांगे थे सर, और मेरा 79 हुआ था, इसलिए हो नहीं पाया सर। अच्छा, और फिर इसके बाद जो रनिंग कराते हैं उसका बताइए थोड़ा, कैसा क्या होता है? रनिंग के लिए सर उसमें सबको ग्रुप बनाया गया, लगभग 50 लड़कों का ग्रुप बनाया गया था सर। 50 का एक? हाँ, लगभग लगभग 50 लड़के थे, हम एक्यूरेट गिन नहीं पाएंगे सर, लेकिन अंदाजा बता सकते हैं सर, गिने नहीं हम उस दिन। हाँ, लेकिन अंदाजा बता सकते हैं सर, 50 लड़के थे, 40 से 50 लड़के थे सर। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद रनिंग साथ में रनिंग करवा देते हैं सबकी साथ में? एक साथ सबको नहीं, तीन ग्रुप था, तीन ग्रुप था। अच्छा अच्छा, हमें तुझे बताइए शिवा की वहाँ पे कितने बच्चे प्रेजेंट हुए थे टोटल? 300 लड़कों का रिपोर्टिंग था सर, टोटल 110-115 आए थे। अच्छा, 300 में से मतलब कि 30% के समथिंग बच्चे ही आ रहे हैं वहाँ पे, है ना? हाँ सर। अच्छा, फिर इसके बाद जैसे रनिंग में क्या क्या समस्याएं आती हैं दोस्तों के लिए जरा ये बताइए, ताकि उनको ऐसी कोई समस्या ना आए। रनिंग में क्या है सर, रोड पे दौड़ा रहे हैं, रोड पे। हाँ, और टोकन, टोकन तो बिल्कुल भी नहीं बोलना, अगर 800 मीटर के बाद टोकन दिया जा रहा है, अगर टोकन आप नहीं लेकर आ रहे हैं तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई है, फेल है। अच्छा हाँ, प्रूफ नहीं है फिर कोई, है ना? हाँ हाँ, तो 800 मीटर का वो आपको नहीं प्रूफ, क्या बोलते हैं, टोकन नहीं लिए हैं, तो इसका मतलब कि आप बीच में सही चले आए। हाँ सही है, बिल्कुल टोकन गिरना नहीं चाहिए, कहीं खो गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अच्छा, और जो रनिंग करते वक्त कैसी कोई दिक्कत नहीं आती, कोई किसी को धक्का मुक्की ऐसा कुछ तो नहीं चलता? थोड़ा बहुत तो धक्का दे रहे थे बस के शुरू में सर, अपना बस के ही दौड़ना पड़ेगा, लड़के तो थोड़ा बहुत तो धक्का लग रहा था, ऐसी बात नहीं है सर। अच्छा, तो हमें जी बताइए आप मेरे को, जैसे कि वहाँ पे आपने बोला 110 बच्चे उपस्थित हुए थे, तो कितने क्वालिफाई हुए थे नेक्स्ट राउंड के लिए आपके टेट टेस्ट के लिए? हाँ, टेट टेस्ट के लिए सर लगभग लगभग हमारे रेस के बाद, मेरा रेस निकल गया था, उसके बाद टेस्ट हुआ, टेस्ट में मैं डिस्क्वालीफाई मतलब फेल हो गया, उसके बाद टेस्ट में भी सर बहुत सारे लड़के टेस्ट में भी निकले थे। हाँ नहीं, लेकिन 20-30 लड़के टेस्ट में निकल गए। तो अंत में कितने पहुंचे थे वहाँ पे टेट टेस्ट के लिए? अंत में सर अगर लगभग लगभग 60 लड़कों ने टेट टेस्ट दिया था। 60 ने? हाँ, 60 लड़कों ने, लगभग 50 से 60 लड़के टेट टेस्ट दिए थे, और उसमें क्वालिफाई हुए 15 लड़के टोटल, उस दिन का क्वालिफाई 15 लड़के पूरा टोटल पास हुए पूरा। अच्छा, तो यार 15 तो बहुत ही कम हुए है ना, क्योंकि 110 में से 15 ही हुए हैं। हाँ अच्छा, और कुछ आपको ऐसा नॉलेज हो कि वहाँ पे टेट टेस्ट में क्या क्या करवा रहा है, जरा वो जानकारी बताएं। हाँ हाँ, एक दोस्त का हुआ था, वो एक्सपीरियंस है मेरे पास, सबसे पहले 6-6 लड़कों का ग्रुप बनाया जा रहा है सर। अच्छा, 6-6 का? हाँ हाँ, 6-6 लड़कों का सर ग्रुप बनाया जा रहा है, और उसमें बताया जा रहा आटा बहुत कम ही आटा सामने के लिए दिएगा सर, एक मुट्ठी भर, एक रोटी भर का आटा दिया गया था, उसको शाम में उसमें पत्थर वगैरह बचाना है, उसको शाम के फुलाना था, रोटी फूलनी चाहिए, अगर रोटी फूल गई तो सर बल्ले बल्ले। अच्छा, और जैसे वो क्वालिफाई हो जाता है फिर नेक्स्ट राउंड क्या रहता है उसमें? तो उसके बस वही है, अगर रोटी फूल गया उसके बाद आपसे सब्जी बनवाया जाता है, सब्जी आप या तो आपसे पूछते हैं आप क्या बना सकते हैं। अच्छा, फिर अपनी स्वेच्छा से? आप क्या सर? अपनी इच्छा के अनुसार। हाँ, तो हमारा दोस्त आलू गोभी की सब्जी बनाया था और पास भी हो चुका है। क्यों? अच्छा, जे रोटी में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाए, एडी टेढ़ी हो जाए, फूले ना, तो क्या वो पास कर देती कि नहीं? सर टेढ़ी नहीं होनी चाहिए और फूलनी चाहिए सर, गोल होना चाहिए और फूलना चाहिए, यही तो देख रहे हैं। हाँ अच्छा, इसी के अनुसार तो पास कर रहे हैं, रोटी बनाना सब किसी के पास में नहीं आता सर ना, सही है, ये बस गोल होना चाहिए और फूला होना चाहिए रोटी सर। अच्छा, आप जी बताइए जैसे टेट टेस्ट देते समय क्या क्या सावधानियां रखें, किन किन कौन सी प्रकार की समस्याएं आती हैं जरा दोस्तों के लिए? हाँ, ये सर सावधानी ये रखनी चाहिए कि अगर आटा सामने है तो बिल्कुल इधर उधर से भी अगर मतलब गिरना नहीं चाहिए आटा जमीन पर। हाँ हाँ, ये सब साफ सफाई देखते हैं लोग, और साफ कैसे आप बना रहे हैं, काटने और जो भी सब्जी बना रहे हैं तो हर मोमेंट पर उनकी नजर होती है आपकी, काट रहे हैं तभी नजर है, मर्चा काट रहे हैं तभी नजर है, उस पर भी नंबर चढ़ाते रहते हैं।
अच्छा, और कितने नंबर का है जी, कितने नंबर दे रहे हैं वहाँ पे, जरा टेस्ट और क्वालिफाई। ये भी था सर, आईटीआई वालों का सर, जो आईटीआई जिनके पास, उनको 10 नंबर एक्स्ट्रा टेस्ट में मिल रहा था, अच्छा एक्स्ट्रा। हाँ और जिसके पास जैसे कुक का सर्टिफिकेट है या फिर कुछ, तो उसको सर्टिफिकेट वालों का था और हालत खराब हो जा रहा था उसमें, जिसके पास सर्टिफिकेट है तो उनसे सारा काम उन्हीं से करवा रहे थे कि सर्टिफिकेट भाई चलो, सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस है तुम करके दिखाओ। हाँ सही है। उसको तो उसको पहले फेल कर दे रहे हैं, सर्टिफिकेट है और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस में कमी है, थोड़ा भी कमी तो फेल कर देंगे। जी तो है कि एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर वो दिखावा हो जाता है, इससे अच्छा है कि यदि आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो बताओ ही ना कि मेरे पास सर्टिफिकेट है ना। एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई फायदा नहीं है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देने से सर। हाँ जी सही है। अच्छा अमित जी, और कोई आप जैसी सलाह देना चाहें दोस्तों के लिए लास्ट में? सर क्या बस अच्छे से कॉन्फिडेंस जो भी बना रहे हैं वहाँ पर, तो एकदम कॉन्फिडेंस बना उनको सर, उनको ये नहीं लगना चाहिए, जो अफसर होते कमांडेंट उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप बनाया नहीं है कभी, ये डर उनके मतलब स्टूडेंट के अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए सर, एकदम कॉन्फिडेंट होकर बनाना है बस, और कुछ नहीं। अच्छा तो ठीक है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी आपके दोस्तों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी सर। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, ये तो थे भाई शिवा, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, भाई ने सब कुछ बताया कैसा क्या करवा रहे। लेकिन अभी आपके मन में कोई सवाल हो, डाउट्स हो, क्वेरी हो, तो आप बिल्कुल पूछिए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य देता हूँ। और फ्रेंड्स आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जैसा सैम CISF में करवा रहे थे टेस्ट, ऐसा ही सैम RPF एंसलरी में होता था। तो यदि आपका कल है परसों है तो आप ज्यादा डीप नॉलेज वहां से वो वीडियो देख के ले सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा, RPF एंसलरी, वहां पे आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, वहां पर लाइव भी दिखाया गया है कि कैसा क्या करवाते हैं। दोस्तों टेट टेस्ट तो एक ही जैसा होता है, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बाकी सेम ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है ना। तो आप लोग वहां से भी वीडियो देख लें, और वीडियो आई हो पसंद तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर कर दें। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।